मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी ग्रामर का पाठ संज्ञा के विकार लिंग वचन कारक के अंतर्गत वचन पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, वचन का अर्थ होता है संख्या, अर्थात संख्यावाची शब्द ही वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो वे वचन कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द हमें ये ज्ञान कराए कि ये संख्या में एक हैं या अनेक, तो उन्हें वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, कुर्सी, कुर्सियां आदि। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन बच्चों संख्या देख करके ही लग रहा है कि ये एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान अथवा एक पदार्थ का ही बोध करा रहा है। यानी कि जब शब्द का रूप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के एक होने का बोध कराए तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, किताब, कमरा, रुमाल, गांव आदि। बहुवचन, बहुवचन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक से अधिक होने का बोध हो रहा है यहाँ पर। यानी जब संज्ञा का शब्द एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, किताबें, कमरे, मेज़ें आदि। बच्चों, आपने वचन के अंतर्गत एक वचन और बहुवचन का अध्ययन किया, लेकिन वचन के अंतर्गत ही नित्य बहुवचन, नित्य एक वचन का भी समावेश है। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बन सकता, या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन नहीं बन सकता है। तो उन्हें कैसे हम जानते हैं? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नित्य एक वचन। नित्य एक वचन क्या होते हैं? अगणनीय वस्तुओं। अब अगणनीय वस्तु क्या? नॉन काउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जो अगणनीय वस्तु होते हैं उनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे क्रोध, याचना, क्षमा, छाया, सरसों, इनकी गिनती नहीं हो सकती है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? नित्य एक वचन, क्योंकि इनका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। क्रोधों, याचनाओं, क्षमाओं नहीं बोल सकते हैं। इसी प्रकार से नित्य बहुवचन, इनका एक वचन नहीं हो सकता है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे केश, हस्ताक्षर, आंसू, अक्षर, दर्शन, ये नित्य बहुवचन कहलाते हैं। अब आते हैं बच्चों वचन परिवर्तन, यानी कि वचन का बदलना। अब एक वचन से बहुवचन बनाना और बहुवचन से एक वचन बनाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, इनके लिए किन किन नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहला है पुल्लिंग शब्दों का। पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन कैसे बनता है? तो पुल्लिंग शब्द, यदि शब्द के अंत में बड़ा आ आता है तो वो बहुवचन बनाते समय उसमें ए लग जाता है। जैसे लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे। इसी प्रकार से अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, औकारांत, ये शब्द दोनों ही रूप में एक जैसे होते हैं। अब आप कहते होंगे अकारांत, इकारांत क्या है? अकारांत मतलब जब शब्द के आखिर में छोटा आ आए, तो अकारांत। शब्द के आखिर में छोटी ई आए, इसी प्रकार से शब्द के अंत में बड़ी ई आए तो इकारांत हो गया। शब्द के अंत में छोटा ऊ आए, उकारांत हो गया। और शब्द के अंत में अगर औकारांत आए तो इनका भी शब्द के अंत में यदि अ आए तो उन्हें औकारांत कहते हैं। तो इनका दोनों ही रूप एक जैसा होता है। जैसे वर्ष,
का बहुवचन वर्ष ही होगा, मुनि का मुनि ही होगा, हाथी हाथी, भाई भाई, गुरु गुरु, जौ जौ। इसी प्रकार से संबंध सूचक शब्दों में दोनों वचन समान होते हैं, जैसे चाचा तो इसका चाचाओं नहीं होगा, चाचा ही होगा, मामा का मामा होगा। फिर इसी प्रकार से कुछ शब्दों में बहुवचन बनाते समय उनमें वृंद, जन, वर्ग, मंडल, गण जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जैसे दर्शक गण, गुरुजन, मजदूर वर्ग, अध्यापक गण आदि। अब आते हैं, आपने देख लिया पुल्लिंग शब्दों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों में अगर बहुवचन बनाना हो तो क्या होता है, जैसे जब शब्द के अंत में छोटा आ बड़ा आ यानी कि अकारांत और अकारांत हो तो वे बहुवचन बनाते समय उसमें ए लग जाता है, जैसे पुस्तक पुस्तकें, माला मालाएं। इसी प्रकार से यदि शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई हो, छोटी ई बड़ी ई का मतलब इकारांत और ईकारांत, तो वे बहुवचन बनाते समय उसमें ईया लग जाता है, जैसे रीति रीतियां, लड़की लड़कियां आदि। छोटा ऊ बड़ा ऊ और औ, अभी छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या है, छोटा उकारांत, ऊकारांत और औकारांत, इनको जब बहुवचन बनाए जाते हैं तो यहाँ पर ए लग जाता है, जैसे वधु वधुएं, गौ गौएं इत्यादि। इसी प्रकार से यदि शब्द के अंत में या हो तो बहुवचन बनाते समय उनमें या यानी कि ऊपर चंद्र की बिंदी लग जाती है, जैसे गुड़िया गुड़ियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ इत्यादि। आदर सूचक शब्द, आदर सूचक शब्द में सदैव बहुवचन ही प्रयुक्त होता है, उसका एक वचन नहीं होता, जैसे पिताजी आ रहे हैं। अब देखिए हैं जब हम बहुवचन बोलते हैं, वे सब जा रहे हैं, वे सब खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पिताजी आदर सूचक हैं तो उनके लिए हम हैं का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आपने सीखा कि वचन किसे कहते हैं, वचन के दो भेद कौन से हैं, एक वचन बहुवचन, नित्य एक वचन बहुवचन क्या होते हैं, इसी प्रकार से वचन में परिवर्तन किस प्रकार होता है, पुल्लिंग शब्दों में वचन का परिवर्तन किस प्रकार होता है, स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखिए, जैसे वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, प्रश्न दो, नित्य एकवचन और नित्य बहुवचन क्या होते हैं। धन्यवाद।